हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के ब्लूटूथ रिपेयरिंग। हमारे पास रियलमी कंपनी का एक ब्लूटूथ है जिसे हमें दोनों वायर उसके डैमेज हो चुके हैं, वायर हमें कटिंग करके वापस ज्वाइंट करने का है। आप देख सकते हो ओरिजिनल है, वायर भी इसके अंदर कटे हुए आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसको कटर से काट देंगे। इसमें से फ्रेंड जो लेफ्ट साइड के रहते हैं उसमें 5 वायर रहते हैं, उसमें एक मैजिकल स्विच भी रहता है, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है इसलिए उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल कान वाले को ठीक करेंगे जिसमें खाली स्पीकर रहता है। ये हम कटर से खोलेंगे इसको पहले। ये कटिंग ब्लेड है, इससे हम हल्का हल्का निशान मारेंगे इसके ऊपर जिससे ये इजीली खुल जाएगा। अभी हम कटर से इसको थोड़ा साइड साइड से प्रेस करेंगे इससे खुल जाए। खुल गया ये। अभी हम शोल्डर मशीन लेके इसका तार छोड़ा दिए दोनों, और सेम उसको भी ऐसे ही खोलना है। ये हमने शोल्डर मशीन से इसके तार छोड़ा दिए, उसको हमने खोल दिया वैसे ही। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाले में 5 वायर गए हुए हैं, रेड, ब्लैक, ग्रीन, गोल्डन और ब्लू, और राइट साइड वाले में रेड और गोल्डन। ये खाली स्पीकर के वायर्स हैं। शोल्डर मशीन लेके हमें हल्का सा खाली इसमें छेद करना है जिससे ये वायर बाहर निकल जाए। बाद में ट्वीज़र लेके हमें इसे खींच लेना है। निकल गया, और इसके अंदर वायर डालने के लिए हमें इसके अंदर का जो पहले से वायर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हम इस ट्वीज़र की मशीन ट्वीज़र के द्वारा निकाल दे रहे हैं। हमने इसको साफ कर लिया है, इसके अंदर पिछली वायर डालने करेगा। अभी हम लेफ्ट साइड वाले को खोलेंगे, और इसको ध्यान से खोलना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर मैजिकल स्विच है। उस मैजिकल स्विच को कुछ भी हुआ तो ब्लूटूथ डेड हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा, इसलिए हमें ध्यान से खोलना है इसको। इसके अंदर देख सकते हैं हम 5 वायर आए, बाहर से गिरे हुए हैं, बाहर निकले हुए। इसको प्लास्टिक को पहले बाहर निकाल देंगे तो उससे हमें मैजिकल स्विच निकालने में आसानी होगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स मैजिकल स्विच इसके अंदर। ये हमने इसका मैजिकल स्विच बाहर निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको हम हल्का हल्का कटिंग कर देते हैं जिससे ये फिटिंग के टाइम पे आसानी से हमें फिटिंग कर पाए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें।
ब्लूटूथ का जो वायर है उसे हम डब्बे के अंदर डाल के पैक कर देते हैं, बाद में हम उसे सोल्डिंग मार देंगे। तो कैसे उस डब्बे के अंदर डालना है वो हम इसके अंदर देखते हैं अभी। सबसे पहले डब्बी के अंदर हम वायर डाल लेंगे, वायर के अंदर इसका जिसे ये जो होल्ड करके रखता है इस वायर को, फिर हम उसको डाल देंगे उसके अंदर। फिट वजह से उसको पकड़ के हम उसके अंदर डाल देंगे इसका होल्डर जो वायर को होल्ड करके रखते हैं। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये मैजिकल स्विच है, इसके अंदर अभी हम सोल्डिंग मार रहे हैं। ये हमने इसके अंदर का मैजिक स्विच के अंदर हमने सोल्डिंग मार लिया है। अब हम इसके अंदर सीधा सर्किट इस डब्बे के अंदर डाल देंगे, उसको पैक कर देंगे और ये हमारा चालू हो जाएगा।